यहाँ पर तो कार्तिक कहीं पे नक्श और आदित्य के बीच में आ गए थे, उन दोनों को आगे बढ़ने नहीं दिए उन्होंने, तो एक पहली बार एक तीन जो लड़के हैं उन तीनों का एक पहली बार एक रिलेशन कहीं ना कहीं फॉर्म होते हुए नज़र आ रहा है, जहाँ दो जन जो लड़ रहे हैं और तीसरा आके उन्हें रोक रहा है, तो वो एक पहली बार दिखाया गया कि वो एक एक को इक्वेशन फॉर्म हुआ है वहाँ पे, और वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं जहाँ पर नक्श बताते हैं कि जो अक्षरा जी का एक्सीडेंट हुआ था वो आदित्य ने नायरा को बता दिया कि मानसी से हुआ था, तो ही गेट्स शॉक नक्श को पता है कि सारी चीज़ें जो मानसी से हुआ है वो नक्श को पता चल गया, और नक्श के अलावा नायरा को पता चल गया, और कहीं ना कहीं उन्हें ये समझ में आ रहा है कि चाचू माई फादर एवरीबडी लाइड एंड, तो उस चक्कर में वो काफ़ी गुस्से में आ रहा है। नहीं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इस वक्त नायरा का क्या रिएक्शन होगा, वो क्या सोच रही होगी आगे, वो कहते भी है कि मुझे पता नहीं, नायरा को तो ऐसा लग रहा होगा कि मैंने उसे धोखा दिया, तो उस बेचारी पर क्या गुजरी होगी जब उसे जब सारी चीज़ें पता चली होगी, तो ही इज़ रियली टोन इन बिटवीन हिज फैमिली एंड हिज लव, तो कहीं ना कहीं और नक्श ने जब उन्हें ये चीज़ें बताई तो ऑब्वियसली ही फील्स कि चलो ठीक है, नक्श ने तो बता दिया पर व्हाटएवर आदित्य हैज़ डन, तो वो अभी धीरे धीरे गल्प होने लगेगा कि फिर हम आदित्य को पकड़ेंगे, फिर उतना तो बनता है।